नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की एक और हाइलाइट में। मैच इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार रही, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला गया, जिसमें इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला न करते हुए फील्डिंग चूज की। वेन्यू रहा आईसीसी एकेडमी दुबई, एम्पायर रहे एलन रे पाकिस्तान से, जॉय विल्सन वेस्ट इंडीज से और नो टीवी एम्पायर रहे। मैच रेफरी रहे जेफ क्रॉज़े न्यूजीलैंड से। मैच डेट रही 18 अक्टूबर 2021 मंडे। मैच टीम्स कुछ इस प्रकार रही, टॉप फोर खिलाड़ियों में इंडिया के केएल राहुल, ईशान किशन, विराट कोहली और ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं पर इंग्लैंड की टीम में टॉप फोर खिलाड़ियों में जॉस बटलर, जेसन रॉय, डेविड मलान और जॉन बेस्टो जैसे बड़े खिलाड़ी मौजूद रहे। बात करें आगे के खिलाड़ियों की, तो आगे के खिलाड़ियों में इंडिया की टीम में रहे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र चंद अश्विन और भुवनेश्वर कुमार। वहीं पर बात करें इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, तो आगे इंग्लैंड के खिलाड़ियों में रहे लाइम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विले, क्रिस जॉर्डन और आर्यन ऋषि। बात करें इंग्लैंड की बैटिंग की, तो इंग्लैंड ने पूरी बैटिंग खेल के 5 विकेट के नुकसान पर 188 का टारगेट इंडिया के लिए सेट किया, जिसमें बैटिंग करने उतरे सबसे पहले जेसन रॉय और जॉस बटलर ने और जेसन रॉय ने दोनों ने ही बढ़िया पारी खेली, जिसमें जेसन रॉय ने 13 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौके लगाए, उनकी स्ट्राइक रेट 130 रही। जॉस बटलर ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसमें से उन्होंने 3 चौके लगाए और उनकी स्ट्राइक रेट 138 रही। बात करें डेविड मलान की, तो उन्होंने 18 गेंदों में 18 रन बनाए, जिसमें 3 चौके लगाए, उनकी स्ट्राइक रेट 100 रही। बात करें जॉनी बेस्टो की, तो उन्होंने 25 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें से 1 छक्का लगाया और 4 चौके लगाए, उनकी स्ट्राइक रेट 130 रही। लाइम लिविंगस्टोन की बात करें, तो उन्होंने 20 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें से 4 चौके, 1 छक्का लगाया, उनकी स्ट्राइक रेट 150 रही। वहीं बात करें मोहित अली की, तो उन्होंने 20 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें से 4 चौके, 2 छक्के शामिल थे और उनकी स्ट्राइक रेट 215 रही। क्रिस वोक्स ने 2 गेंदों में 1 रन बनाए, उनकी स्ट्राइक रेट 50 रही। ये थी इंग्लैंड की बैटिंग कुछ इस प्रकार। वहीं पर बात करते हैं एक्स्ट्राज की, तो एक्स्ट्राज में टोटल 12 आए, जिनमें 2 नो बॉल थी लेग बाय दो की और वाइड बॉल 8 थी। वहीं पर बात करें बैटिंग की, तो टोटल 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर 188 रहा और इंडिया के लिए 189 का टारगेट सेट हुआ। बात करें 500 विकेट की, तो 500 विकेट में सबसे पहले जॉर्ज बटलर का विकेट हुआ, जब टीम के 36 रन थे और ओवर चल रहे थे 3.4। बात करें जेसन रॉय की, तो उनका विकेट हुआ 47 रन पे टीम के, जब टीम और ओवर चल रहे थे 5.3। डेविड मलान की जो विकेट हुआ वो सब टीम के 77 रन थे और ओवर चल रहा था 9.2 तब हुआ। वहीं पे लिविन लिविंगस्टोन का विकेट जब टीम के 129 रन थे और 14.5 ओवर चल रहे थे तब हुआ। जॉन बेस्टो का विकेट जब टीम के 163 रन थे और ओवर चल रहे थे 18.2 तब हुआ। बात करें इंडिया की बॉलिंग की, तो इंडिया की बॉलिंग में बॉलर्स ने बड़ा ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार की बात करें, तो उन्होंने 4 ओवर में 54 रन दिए और उनकी इकोनॉमी 13.50 रही। वहीं पर बात करें जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 26 रन दिए, जिसमें से उन्होंने 1 विकेट पीरियड का उनकी स्ट्राइक रेट इकोनॉमी 6.5। बात करें मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 40 रन और 3 विकेट पूरी करता हूँ, उनकी स्ट्राइक रेट इकोनॉमी रही 10। वहीं पर बात करें रविंद्र चंद अश्विन की, उन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए और उनकी इकोनॉमी रही 5.75। बात करें राहुल चहल की, उन्होंने 4 गेंदों में 4 ओवर में 43 रन दिए और 1 विकेट करता और उनकी स्ट्राइक रेट रही 10.75। बात करें टीम इंडिया की बैटिंग की, तो टीम इंडिया की बैटिंग में सबसे पहले उतरे केएल राहुल और ईशान किशन। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें से 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं पर उनकी स्ट्राइक रेट 212.5 है। बात करें ईशान किशन की, तो ईशान किशन ने
46 गेंदों में 70 रन बनाए और उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के भी लगाए, लेकिन उनके इंजरी के कारण वह रिटायर हो गए और उन्होंने जगह सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने उतरे। सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी बैटिंग का प्रदर्शन दिया, जिसमें से उन्होंने शानदार अपना योगदान देते इंडिया को विजय हासिल कराई। बात करें आगे खिलाड़ियों की तो उसके बाद से विराट कोहली, विराट कोहली ने 13 गेंदों में 11 रन बनाए और उनका विकेट भी हो गया। बात करें जब बंदी उन्होंने 14 गेंदों में 21 रन बनाए और 3 छक्के और 1 चौका लगाया। वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने 9 गेंदों में 8 रन बनाए और 1 चौका लगाया। हार्दिक पांड्या ने 10 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके लगाए और उनकी स्ट्राइक रेट 120 शामिल रही। टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की 19 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर और 192 रन टोटल बनाए। एक्स्ट्रा की बात करें तो 9 ओवर लो रही, वाइड 4 रही, लेग बाय 1 रही और बी रही 4, तो टोटल हो गई 11, तो 11 रही एक्स्ट्रा बॉल। बात करें टीम इंडिया के फैसला विकेट की तो फैसला विकेट में सबसे पहले के राहुल का विकेट हुआ, जब टीम के टीम के ट्वेंटी ओवर चल रहा था। विराट कोहली का विकेट हुआ जब टीम के 125 रन थे और ओवर चल रहे थे 12-5-4। वहीं पर सूर्य कुमार यादव का विकेट हुआ जब 17-3 ओवर मिल रहे थे और रन थे 168, तब उनका विकेट हो गया। बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग की तो इंग्लैंड की बॉलिंग में बॉलिंग करने आए डेविड विले, जिसमें से उन्होंने 3 ओवर में 16 रन दिए और 1 विकेट झटका। उनकी इकोनॉमी 5.3 रही। वहीं पर क्रिस वोक ने 4 ओवर में 40 रन दिए और उनकी इकोनॉमी 10 रही। मारी वुड ने 2 ओवर में 22 रन दिए और 1 विकेट झटका। वहीं पर उनकी इकोनॉमी 11 रही। क्रिस जॉर्डन ने 3 ओवर में 35 रन दिए और उनकी इकोनॉमी 11.6 रन रही। वहीं पर मोइन अली ने 2 ओवर में 28 रन दिए और उनकी इकोनॉमी 14 रही। बात करें आदिल रशीद की तो उन्होंने 3 ओवर में 36 रन दिए और उनकी इकोनॉमी 12 रही। वहीं पर लाइन लिविस्टोन ने 2 ओवर में 10 रन दिए और 1 विकेट झटका, उनकी इकोनॉमी 5 रही। इंडिया ने इंग्लैंड को फर्स्ट वार्म-अप मैच में टी ट्वेंटी के हरा दिया है और अपनी शानदार जीत हासिल की है। देखना होगा आगे क्या होता है। बने रहिएगा अगली हाइलाइट्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।